गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम है निशांत शर्मा और आज आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट फॉर आईक्यू पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट का डिलीवर हुआ है 4 मई 2023। तो ये जो जजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड जुडिशरी के लिए, बिहार जुडिशरी के लिए, दिल्ली जुडिशरी के लिए, एज वेल एज हरियाणा जुडिशरी के लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या डिलीवर किया है। तो इस जजमेंट का नाम है कैलाश विजय वर्गीय वर्सेज राज लक्ष्मी चौधरी एंड अदर्स। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने डिफ्रेंशिएट किया है सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 एंड सेक्शन 202 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 ये बात करता है कि अगर कोई भी पर्सन जो एग्रीड पर्सन है और वो पुलिस अथॉरिटी के पास गया है, पुलिस ऑफिसर के पास गया है एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए, और किसी रीजन की वजह से पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर रजिस्टर करने के लिए पूरी तरीके से डिनाई कर दिया है, तो उसके पास दो ऑप्शंस बचते हैं। या तो वो कंसर्न सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाए, उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के, जो कि एफआईआर लॉन्च कर सकता है, और अगर मान लीजिए कंसर्न सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी अगर उसको डिनाई कर देता है एफआईआर लॉन्च करने के लिए, तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है उस पर्सन के पास कि वो कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास जाए जिसके पास अथॉरिटी है उस ऑफेंस के कॉग्निजेंस लेने की। उसी को हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 156 सब क्लॉज 3 में, जिसमें कि मेंशन है कि अगर कोई भी एग्रीड पर्सन जिसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हो पाई है वो मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। तो सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 कहता है कि प्री कॉग्निजेंस स्टेज में, मतलब कि अभी मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया है, कॉग्निजेंस का मतलब होता है अभी मजिस्ट्रेट ने उस ऑफेंस के ऊपर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया है, कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि अभी मजिस्ट्रेट उसके लिए पूरी तरीके से इंश्योर या कंफर्म नहीं है कि इस पे हमें इंक्वायरी या ट्रायल को प्रोसीड करना है कि नहीं। तो उस केस में सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट बोलता है पुलिस ऑफिसर को कि आप इनकी एफआईआर रजिस्टर करिए और इस कंसर्न ऑफेंस में आप अब आगे के लिए इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर दीजिए। यह बात करता है सेक्शन 156 सब क्लॉज 3। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 202। देखिए 202 जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यह चैप्टर में कंप्लेंट वाले चैप्टर में फॉल करता है, और इस केस में जो 202 की बात होती है वो बात होती है एट द पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज। इसका मतलब कोई भी एग्रीड पर्सन मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लेके गया है किसी ऑफेंस की, आइदर बी इट ऑफ ग्रीवियस ऑफेंस और इट बी ऑफ एनी माइनर ऑफेंस, क्योंकि कंप्लेंट में आप कोई से भी ऑफेंस को लेके जा सकते हैं। उस केस में अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हां ये ऑफेंस कॉग्निजेबल नेचर का है या इस पे कॉग्निजेंस ली जा सकती है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट उसको 200 में कॉग्निजेंस ले लेगा। तो अब सेक्शन 202 का क्या रोल है, सेक्शन 202 का ये रोल है कि ये जो सेक्शन है 202 ये आपका पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज में आता है, मतलब कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि हां ये ऐसा कोई केस है जिसमें कि हम लोग ट्रायल या इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन 202 में यह बात करता है कि मजिस्ट्रेट पूरी तरीके से इंश्योर नहीं हो पा रहा है इश्यू ऑफ प्रोसेस करने के लिए। सेक्शन 204 हमारी बात करता है इश्यू ऑफ प्रोसेस। इश्यू ऑफ प्रोसेस का मतलब यह होता है कि जब भी कोई केस कोर्ट के पास आता है कॉग्निजेंस के तौर पे, उस केस में कोर्ट इश्यू ऑफ प्रोसेस मतलब कि जिसके अगेंस्ट वो केस फाइल हुआ है उसको कोर्ट में बुलाएगा। तो सेक्शन 202 उसी की बात करता है कि अभी मजिस्ट्रेट को लग तो रहा है कि हां कोई ऑफेंस हुआ है, बट पूरी तरीके से उसके पास सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है इश्यू ऑफ प्रोसेस करने के लिए अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन। तो इसलिए मजिस्ट्रेट पहले प्राइमा फेसिली कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए यहां पर या तो खुद इंक्वायरी करेगा या फिर अगर वो चाहे तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो इस कंसर्न और पुलिस स्टेशन में जो यहां पे ऑफेंस फॉल कराए, उसको बोल सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो इस अगर
हम अब वापस से इसका रिवीजन करें तो सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 कहता है कि अभी कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया है, कॉग्निजेंस लेने से पहले ही कोर्ट कह रहा है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से कि आप इस पे इन्वेस्टिगेशन करिए। लेकिन 202 आपकी सेक्शन बात करता है कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, उसके बाद कोर्ट को कुछ एविडेंसेस लैक लग रहे हैं, कुछ एविडेंसेस सफिशिएंट नहीं लग रहे हैं, इसके लिए कोर्ट इंश्योर होने के लिए प्रोसेस को इश्यू करने के लिए कोर्ट आपका 202 में या तो खुद इंक्वायरी करेगा या फिर इस पे इन्वेस्टिगेशन भी करा सकता है। अब इस पे एक और हम लोग अगर जजमेंट की बात करें, एक जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आया था जिसका नाम है वीनू भाई हरी भाई मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 का ये जजमेंट है, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बोला था कि इवन आफ्टर दी पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज, मतलब कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है उसके बाद भी अगर कोर्ट चाहे तो 156 सब क्लॉज 3 में आपका इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को ऑर्डर कर सकता है। इसका मतलब अब सेक्शन 2019 के बाद ये जो सेक्शन है 156 ये प्री एज वेल एज पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पे भी अप्लाई होता है। ये आपकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की फुल बेंच ने जजमेंट में आपका डिलीवर किया था। तो ये जजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए ये थोड़ा फ्रूटफुल हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच एंड हम लोग डेली आप ऐसे ही एक ना एक जजमेंट डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि प्री और मेंस में जैसे कि हम देख रहे हैं पेपर बहुत डायनामिक होता जा रहा है, तो हमें जजमेंट्स के साथ साथ हर सेक्शन और अपडेटेड जजमेंट्स का भी नॉलेज होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।